हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिकल टेक में। फ्रेंड्स, आप जानेंगे हम एसी के विषय में। एसी जो एयर कंडीशनर होता है, वो उसमें टन क्या होता है, आज हम इसी विषय में जानेंगे। एक टन में कितना एचपी होता है, कितना किलोवाट होता है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इंटरव्यू के लिए। कहीं भी आप जाएंगे तो इसमें पूछा जाता है कि टन क्या होता है और कितने टन की एसी कितने एरिया में लगाई जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम टेक्निकल के संबंधित वीडियो इसमें लाते रहते हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। दोस्तों, इंटरव्यू के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसी के विषय में, टन के विषय में, और वो कितने एम्पियर करंट लेती है एसी। अगर 1 टन की एसी है तो कितना एम्पियर करंट लेती है, 2 टन की है तो कितना एम्पियर लेती है। इस तरह से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो इंटरव्यू हम देते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, जब आप एसी खरीदने जाते हो या एसी के विषय में कुछ जानते हो, देखते हो, तो उसमें टन में लिखा होता है। आखिर 1 टन होता क्या है? 1 टन आपका 1 क्विंटल की एसी नहीं होती है, या 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है, तो 10 क्विंटल की आपकी एसी नहीं होती है। बस उसमें टन होता है, उस टन का मतलब क्या होता है? आप कभी भी एसी खरीदने जाएंगे, उसमें लिखा होगा 1 टन, 2 टन या 1.5 टन, इस तरह से लिखा होता है। तो आज इसी के विषय में हम जानेंगे टन होता क्या है। 1 टन बर्फ जो होता है, जितना ठंडा एक कमरे को करता है एक घंटे में 1 टन की एसी भी उतना उतना ही उस कमरे को करती है। कि सीधी सी परिभाषा है दोस्तों, जितना 1 टन बर्फ जितना कमरे को ठंडा करता है, उतना ही 1 टन की एसी उस कमरे को ठंडा करती है। बस यही इसकी सीधी परिभाषा है। अब हम जानेंगे कि जो एसी का टन होता है उसको हम बीटीयू में मापते हैं। बीटीयू में मापते हैं। बीटीयू क्या होता है? हम बीटीयू जानते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बीटीयू क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये इसी से हम टन को मापते हैं। बीटीयू का मतलब होता है 1 पाउंड, पाउंड पानी, 1 पाउंड पानी का तापमान 1 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने में जितनी गर्मी की मात्रा होती है, गर्मी की मात्रा होती है, उसी को बीटीयू बोला जाता है। 1 बीटीयू बराबर होता है 0.00029301 किलोवाट, या 1 बीटीयू इक्वल होता है 0.00039801 HP। और दोस्तों, 1 टन इक्वल होता है 12,000 BTU। दोस्तों, अब हमारा मालूम हो गया 1 टन में कितना BTU होता है, 12,000। तो हम इससे मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे कि हमारा कितना किलोवाट होता है। अब 12,000 × 0.00029301 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ये 3.5 1868, ये हमारा हो जाएगा किलो वाट। अब इसको हम अगर वाट में बदलना चाहें तो इसमें 1000 से गुणा कर देंगे। 3.50 × 1000 अगर हम कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 3500 के वाट के, लगभग 3500 वाट के बराबर होगा। ये हमारा एसी का हो गया। इस तरह से हम एसपी भी निकाल लेंगे। दोस्तों, 1 स्क्वायर फीट कमरा को
ठंडा करने, 1 डिग्री ठंडा करने में 200 BTU लगता है। इस तरह से हम अगर 10×10 स्क्वायर फीट का कमरा है तो ये लगभग 100 स्क्वायर फीट हो जाएगा। 100 स्क्वायर फीट में 200×, अगर 100 हम कर देते हैं तो ये लगभग आ जाए 12,000 BTU। ये हमारा 1 टन के बराबर है, 12,000 BTU बराबर होता है 1 टन। तो हमारा 10×10 का अगर कमरा है, 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा कमरा है, तो हमारा जो है 1 टन की AC वहाँ पर्याप्त है, 1 टन की AC पर्याप्त है। इसी तरह से अगर हम ले लें 10×15, तो यहाँ हमारा 1.5 टन की हो जाएगी। और अगर हम 20 का ले लेंगे तो हमारा 2 टन की हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम आप जानते हैं कि टेम्परेचर सेट करना हमारा 24 डिग्री सेल्सियस AC में अगर हम सेट करके रखते हैं, सेट करके रखेंगे तो AC भी हमारी सेफ रहेगी और हमारा बिजली का बिल भी कम आएगा। अगर हम 18 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो इस पर AC पे लोड ज़्यादा पड़ता है, करंट भी ज़्यादा लेती है और बिजली का बिल ज़्यादा आता है। इसलिए दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर AC का रखना है 24 डिग्री रखना है, 24 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों बस यही जानना था, 1 टन में लगभग 1 टन की AC लगभग 1 टन की AC लगभग 10 एम्पियर करंट लेती है। दोस्तों बस वीडियो आप लोग कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।